संदीप सिंह भारतीय हॉकी में एक बड़ा नाम है। उनका जीवन बहुत मायने में किसी सामान्य भारतीय की तरह ही चुनौतियों भरा रहा है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद से निकलकर भारतीय हॉकी के दशकों तक सेवा करने वाले संदीप सिंह ने जिंदगी की हर एक चुनौती को पार कर ऊंचाइयां हासिल की है। एक समय ऐसा था कि जब संदीप का हॉकी करियर लगभग समाप्त माना जा रहा था, उन्हें ट्रेन में यात्रा के दौरान गलती से गोली लग गई थी, लेकिन उन्होंने उस बुरे दौर को भी पीछे छोड़ते हुए दमदार वापसी की और भारतीय हॉकी में सिरमौर बने। साल 2004 में संदीप का सिलेक्शन सुल्तान अलजान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में हुआ। साल 2006 में संदीप सिंह का करियर लगभग समाप्त हो गया था। साल 2009 से 2010 के दरमियान संदीप सिंह 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्रैग फ्लिप कर रहे थे। साल 2009 के सुल्तान अलजान शाह टूर्नामेंट के लिए कप्तान बनाया गया, जिसमें संदीप ने दमदार प्रदर्शन किया। संदीप के जीवन पर साल 2018 में सुरमा नाम से फिल्म भी बनी, जिसमें संदीप सिंह का किरदार मशहूर पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने निभाया था। बता दें कि अब संदीप सिंह ने चुनावी राजनीति में उतरने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हरियाणा की पिहोवा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। न्यूज़ डेस्क।